हेलो एंड वेलकम बैक। इस वाले वीडियो में हम लोग फ्लूइड डायनेमिक्स का क्वेश्चन उठाएंगे। फ्लूइड डायनेमिक्स मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप नोट करिए। क्वेश्चन इज द वेलोसिटी कॉम्पोनेंट्स फॉर अ टू डायमेंशनल फ्लूइड सिस्टम कैन बी गिवन इन द यूलेरियन सिस्टम। Can be given in the Eulerian system by u equals to 2x plus 2y plus 3t, v equals to x plus y plus t by 2. Find the displacement of a fluid particle in the Lagrangian system. तो आपको यूलेरियन में वेलोसिटी कॉम्पोनेंट्स दिया है और आपको बोला है डिस्प्लेसमेंट फाइंड करिए लैग्रेंजियन सिस्टम में। तो एक तरह का प्रॉब्लम बन गया ये। सो टाइप इज यूलेरियन से लैग्रेंजियन में कन्वर्ट करना। तो इस प्रॉब्लम से बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। हालांकि अगर आपने लेक्चर किया होगा तो आप फटाफट बना लोगे, लेकिन अगर कोई पहली बार भी देख रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप इस प्रोसेस को याद रखिए और इससे रिलेटेड ऐसा ही सिमिलर कोई क्वेश्चन अगर आ जाता है, यू कैन अप्लाई द सेम मेथड एंड यू विल गेट द आंसर। तो गिवन आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, यू इक्वल्स टू 2x प्लस 2y प्लस 3t, v दिया है x प्लस y प्लस t बाय 2। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट अगर मुझे फाइंड करना है तो आप लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ द डिस्प्लेसमेंट x and y ऑफ कोर्स डिस्प्लेसमेंट है, द वेलोसिटी कॉम्पोनेंट्स u एंड v मे बी रिप्रेजेंटेड बाय। कैसे लिखेंगे बुआ, देखो तो u को अगर हम बोलें इट दिस u इज नथिंग बट वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, तो हम लिखेंगे dx बाई dt। और v को क्या लिख सकते हैं हम लोग, dy बाई dt। बात आई समझ में? चलिए इसको, इस पूरे सेट को हम नाम दे दे रहे हैं लेट्स से नंबर 1, और इस पेयर को नाम दे दे रहे हैं लेट्स से नंबर 2। तो 1 और 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2, इसको डिफरेंशियल फॉर्मेट में कैसे लिखोगे, u को हटा करके dx by dt लिखना है, v को हटा करके dy by dt लिखना है। सो dx by dt
दिस शुड बी इक्वल टू, देखो क्या आ जाएगा, 2x प्लस 2y प्लस 3t, और dy बाई डी टी ये क्या हो जाएगा, x प्लस y प्लस टी बाई टू। यहाँ तक बात आई समझ में? ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे डी ऑपरेटर का हेल्प लेकर के इस डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ कुछ करेंगे। तो लिखेंगे लेट कैपिटल डी इक्वल्स टू डी बाय डी टी, इसके बदले में हम एक ऑपरेटर ले रहे हैं जिसको हम लोग डी ऑपरेटर बोल रहे हैं, ठीक है। और ये जो पेयर हमारा बन गया है इसको हम नाम देते हैं लेट्स से नंबर थ्री। तो लिखेंगे देन इक्वेशंस थ्री बिकम, चलिए डी बाई डी टी हटा करके डी लिखना है, तब डी ऑपरेटर के टर्म्स में क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे देखो डी डी एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 2y प्लस 3t, एंड dy क्या लिख सकते हैं, x प्लस y प्लस टी बाई टू। अब इस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो हम यहाँ कैसे क्या लिख सकते हैं, इसको देखो x वाले टर्म को एक साथ है ना, सो डी माइनस टू कर दीजिए और ब्रैकेट में हम एक्स ले लेने, माइनस टू वाई इक्वल्स टू थ्री टी। अब ओके तो यहां पे आप देखिए ध्यान से, d माइनस टू एक्स माइनस टू वाई इक्वल्स टू थ्री टी लिख लिया, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसमें भी वही चीज़ करना है हमें, माइनस एक्स प्लस, देखो इधर इसको लेकर के आ जाओगे, सो d माइनस वन टाइम्स y विल बी इक्वल टू t बाई टू। इस ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि t को हम लोग अलग साइड रख रहे हैं और x और y को अलग साइड रख रहे हैं। अब देखिए इसको हम नाम देते रहे लेट्स से इक्वेशन नंबर फोर, और इसको नाम देते रहे इक्वेशन नंबर फाइव। अब लिखेंगे ऑपरेटिंग इक्वेशन फाइव बाय डी माइनस टू, सो आप इसको भी फोर्थ इक्वेशन को डी माइनस वन से आप ऑपरेट कर सकते थे, नो इश्यूज, लेकिन हम यहाँ पे डी माइनस टू से कर रहे हैं और फिर इसको फिर हम ऐड करेंगे ताकि हमारा साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करके हमारा काम निकल जाए। तो क्या बन जाएगा इधर, डी माइनस टू, देखो माइनस ऑफ डी माइनस टू एक्स प्लस डी माइनस टू डी माइनस वन वाई और इक्वल टू टी बाई टू, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं डी माइनस टू एक्स प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, डी स्क्वायर माइनस थ्री डी प्लस टू टाइम्स ऑफ वाई, एंड दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे डी माइनस टू से ऑपरेट करना था, सो डी माइनस टू ऑफ टी बाई टू, डी माइनस टू ऑफ टी बाई टू मतलब डी बाई डी टी ऑफ वन बाई टी बाई टू क्या हो जाएगा, वन बाई टू है ना, और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस टी, सो दिस विल बी हाफ माइनस टी। ओके अब इसको नाम देते हैं लेट्स से नंबर सिक्स, नंबर फोर और नंबर सिक्स को ऐड करिए,
सो एडिंग 4 एंड 6 ऐड करते हैं, डी माइनस टू टाइम्स ऑफ एक्स, फिर माइनस टू टाइम्स वाई इक्वल्स टू 3t है, और इधर लिखते हैं माइनस डी माइनस टू टाइम्स एक्स प्लस डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस टू टाइम्स वाई शुड बी इक्वल टू हाफ माइनस टी। अब इसको आप ऐड करिए सिंपली, जब आप ऐड करोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस टू टाइम्स वाई माइनस ऑफ 2y इक्वल्स टू 3t माइनस टी प्लस 1/2। देखते जाओ, मिल गया, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो डी स्क्वायर वाई माइनस 3dy प्लस 2y माइनस 2y इक्वल्स टू, इधर क्या हो जाएगा, 3t माइनस टी मतलब 2t एंड प्लस 1/2। यहाँ से इसको कैंसिल मार सकते हैं, सो क्या बन गया ये, डी स्क्वायर माइनस 3d टाइम्स ऑफ y इक्वल्स टू 2t प्लस 1/2। इसको नाम देते हैं लेट्स से इक्वेशन नंबर 7। अब हमें अच्छी तरह से पता है कि इसको ये क्या बन गया, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया है, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल, है ना। इसका दो चीज़ निकलेगा, एक तो निकलेगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और दूसरा क्या निकलेगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल। सॉल्यूशन फाइनली क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू cf प्लस pi, ये हम लोगों ने सीखा है। सो सॉल्विंग फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बन जाएगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ इक्वेशन नंबर 7 इज, राइट हैंड साइड में क्या करते हैं, 0। सो डी स्क्वायर माइनस 3d, ठीक है ना, इक्वल्स टू 0, ये बन गया है। अब इसको सॉल्व करना है, सो सॉल्विंग फॉर डी क्या मिलता है, डी इज इक्वल टू 0 और 3 मिलेगा। सो हेंस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज व्हाट, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, तो क्या होता है, c1e(m1x) प्लस c2e(m2x) बराबर। यहाँ पे m1 कितना निकला है, 0, m2 कितना निकला है, 3। सो हियर आई कैन राइट दिस cf इज c1e(0x) प्लस c2e(3x), ठीक है। अब सॉरी यहाँ पे x नहीं आएगा, यहाँ पे t आएगा, क्योंकि फंक्शन आपका t के टर्म्स में है, देखिए यहाँ पे t के टर्म्स में, तो m1t प्लस m2t, सो 3t। सो फाइनली cf आपका निकल चुका है, ये तो 1 हो जाएगा, सो c1 प्लस c2e(3t) बराबर। सो दिस इज़ योर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे सॉल्विंग फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल
कैसे निकालते हैं? देखिए, ये भी हमने सिखाया आपको ओडी के क्लास में. सो पर्टिकुलर इंटीग्रल राइट हैंड साइड में जो फंक्शन है वाई एज इट इज ही रखना है हमें, ठीक है ना. सो वाई इक्वल टू फाइंड करना है, तो वाई मल्टीप्लाइड था इधर से. सो डी स्क्वायर माइनस 3D इधर आने दीजिए, और राइट हैंड साइड में क्या था, 1/2 प्लस 2T, ठीक है. अब देखो, सो 1/ नीचे में आपको सिखाया था कुछ कॉमन लेने के लिए. सो यहाँ माइनस 3D अगर हम इसमें कॉमन लेंगे, सो 1 माइनस D/3 आ जाएगा, और 1/2 प्लस 2T आएगा. इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, माइनस 1/3D एज इट इज़ छोड़ दीजिए, 1 माइनस 1/3D, 1/3D है ना, या D/3 है, तो इसका इन्वर्स हम लिख सकते हैं. और राइट हैंड साइड में इधर क्या हो जाएगा, हाफ प्लस 2T, बराबर. ओके, अब देखिए, इक्वल टू माइनस 1/3D, इसको एक्सपैंड करो. सो 1 प्लस 1/3D प्लस डॉट 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 डॉट. सो 1/2 प्लस 2T, इसको और आगे बढ़ाते हैं, तो इधर क्या मिलेगा, माइनस 1/3D, और अंदर में मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको. सो 1/2 प्लस, इसको इधर से 1 से करोगे, उसके बाद फिर D/3 से करना है, ठीक है. सो 1/2 प्लस 2T प्लस 1/3 × 2, सो दिस विल बी -1/3, नीचे में D, और यहाँ पे 2T प्लस 1/2 और 2/3, 3 × 6, और 1/2 प्लस 2/3 करना है. सो ऐड करते हैं, 6, 2 3 6, और 2 2 3 3 2 6, 2 2 4, सो 7/6. सो हियर इट इज़ 7/6, परफेक्ट. सो -1/3, और 1/T मतलब इंटीग्रेशन, 1/D मतलब क्या, इंटीग्रेशन. सो 1/T ऑफ इसका करते चले जाओ. सो 2 × T² / 2 प्लस 7/6 × T, दिस शुड बी इक्वल टू -T² / 3 -7T/18. इंटीग्रेट करना है हमें बस. सो हेंस हेंस द जनरल सॉल्यूशन ऑफ, इसको क्या माना था, इक्वेशन नंबर 7 माना था आई गेस, यस. तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा वो क्या बन जाएगा, CF+PI. सो हेंस द जनरल सॉल्यूशन फॉर इक्वेशन नंबर 7 इज y इक्वल्स टू C1 प्लस C2 e^3t माइनस T² / 3 माइनस 7T/18. ओके, अब इसको नाम देते हैं, लेट्स से इक्वेशन नंबर 8. सो फ्रॉम इक्वेशन 8, यहां से आप निकालिए dy/dt, एक बार डिफ्रेंशिएट करो, तो ये तो जीरो हो गया, और ये क्या बन जाएगा, 3 C2 e^3t माइनस 2T/3 माइनस 7/18. सो लेट्स से दिस इज नंबर 9. अब इक्वेशन 3 याद करिए, आपके पास क्या था, dy/dt इक्वल्स टू x प्लस y प्लस T/2, ये था ना.
सो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको रिप्लेस कर दे रहे हैं. सो री राइटिंग द सेकेंड इक्वेशन ऑफ थ्री वी गेट, यहाँ देखिए इसी से हम लोग क्या लिख रहे हैं, एक्स इक्वल्स टू डी वाई बाई डी टी माइनस वाई माइनस टी बाई टू. ये एक्स मिल चुका है हमें. नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ वाई एंड डी वाई बाई डी टी वी गेट, देखो ध्यान से, एक्स इक्वल्स टू डी वाई बाई डी टी के जगह पे ये पूरा लिखो. सो थ्री सी टू ई टू द पावर ऑफ थ्री टी माइनस टू बाई थ्री टी माइनस 7/18 हो गया. माइनस वाई यहाँ पे क्या आएगा, माइनस वाई. सो वाई क्या है यहाँ पे, देखो उधर, तो यहाँ पे माइनस वाई है ना, तो वाई की जगह माइनस सी वन माइनस सी टू ई टू द पावर ऑफ थ्री टी, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/3 टी स्क्वायर प्लस 7t/18, ओके, और माइनस टी बाई टू. परफेक्ट. तो ये बन गया है आपके पास x इक्वल्स टू. अब इसी को और सिंपलीफाई अगर करना है एक एक वेरिएबल्स के जगह पे उठा पुटा करके, सो दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे माइनस सी वन प्लस टू सी टू ई टू द पावर ऑफ थ्री टी प्लस टी स्क्वायर बाई थ्री माइनस 7t/9 माइनस 7/18. नाउ यूजिंग द फॉलोइंग इनिशियल कंडीशंस, इनिशियल कंडीशंस लैग्रेंजियन के टर्म्स में तो आपको इनिशियल कंडीशंस में ही लिखना होता है, एक्स नॉट वाई नॉट के टर्म्स में, याद है ना. सो एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट वाई इक्वल्स टू वाई नॉट, व्हेन ये कब होगा, व्हेन टी इक्वल्स टू टी नॉट इक्वल्स टू जीरो. सो इनिशियल टाइम टी इक्वल्स टू जीरो मतलब टी इक्वल्स टू टी नॉट इक्वल्स टू जीरो पे एक्स शुड बी एक्स नॉट एंड वाई शुड बी वाई नॉट, बराबर. ओके, सो वाई का हमारे पास जो इक्वेशन था, व्हाट इज द इक्वेशन नंबर वाई, वाई हमने यहाँ पे लिखा था ना, वाई को क्या निकाला था अभी, जस्ट अभी निकाला, वाई इक्वल्स टू समथिंग, ये वाई इक्वल्स टू सी वन प्लस सी टू ई टू द पावर ऑफ थ्री टी माइनस टी स्क्वायर बाई थ्री माइनस 7t/18t. ओके, तो इसमें जब टी इक्वल्स टू जीरो पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, सी वन प्लस सी टू हो जाएगा. सो वाई नॉट विल बी इक्वल टू सी वन प्लस सी टू, समझ में आया. सो वाई नॉट इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू. एंड इस वाले में आप टी इक्वल्स टू जीरो पुट करोगे तो एक्स नॉट आ जाएगा. सो एक्स नॉट इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आएगा, माइनस सी वन, ये जीरो पुट करोगे तो वन हो जाएगा. सो दिस विल बी टू सी टू प्लस टू सी टू, और ये भी जीरो खत्म, और फिर क्या बन जाएगा, माइनस 7/18. ठीक है, अब देखिए इस दोनों इक्वेशन से अब हम लोग सी वन और सी टू की वैल्यूज निकालेंगे. ठीक, यहाँ पे देखो सी वन प्लस सी टू इक्वल्स टू समथिंग दिया है, सी वन प्लस सी टू इक्वल्स टू समथिंग दिया है. तो सॉल्विंग फॉर सी वन एंड सी टू, साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करना,
मैंने सॉल्व किया है. सो सी वन आपका निकलेगा 2y0 माइनस x0 बाई 3 माइनस 7/54. सी टू निकलेगा x0 प्लस y0 बाई 3 प्लस 7/54. ओके, अब ये सारे वैल्यूज को आप एक्स और वाई के इक्वेशंस में पुट कर दो. सी वन ये निकल चुका है, सी टू ये निकल चुका है. सी वन और सी टू को यू फीड इन दिस इक्वेशन, सो यू विल गेट एक्स. एंड ऑल्सो यू फीड इन द अबव इक्वेशन दैट यू विल दैट इट विल गिव यू वाई. सो डाल देते हैं फिर से. सो एक्स क्या मिल जाएगा, 1/3 x0 माइनस 2/3 y0 प्लस 1/3 2x0 प्लस 2y0 प्लस 7/9 e^3t माइनस 7/9 t प्लस 1/3 t² माइनस 7/27. ऑल्सो y निकलेगा माइनस 1/3 x0 प्लस 2/3 y0 प्लस 1/3 x0 प्लस y0 प्लस 7/18 e^3t माइनस 7/18 t प्लस 1/3 t² माइनस 7/54. सो ये जो हमारे पास इक्वेशंस बन गए हैं, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट देता है एक्स और वाई, ठीक है ना, किस सिस्टम में, लैग्रेंजियन सिस्टम में. सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट्स इन लैग्रेंजियन सिस्टम जो किस क्या इन्वॉल्व होता है, जब भी ध्यान रखिए लैग्रेंजियन सिस्टम में आपके पूछेगा तो आपको ध्यान रखना है एक्स नॉट वाई नॉट टी, इसके टर्म्स में चीज़ों को लेकर के आना है. हमारे क्वेश्चन में था एक्स नॉट वाई नॉट के टर्म्स में नहीं था, किसके टर्म्स में था, बस सिर्फ ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो था हमारे पास यू और वी दिया हुआ था, एक्स और वाई था, इसको हमने लिख लिया था एक्स इक्वल्स टू समथिंग वाई इक्वल टू समथिंग. ठीक है, तो लैग्रेंजियन में जब बोले तो एक्स नॉट और वाई नॉट के टर्म्स में लेकर के आना है. आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, सिंपल सा था. मैं एक और होमवर्क आपको दे रहा हूँ, तो इस होमवर्क को आप सॉल्व करेंगे तब आपको अच्छे से आइडिया मिल जाएगा कि इस वाले क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं. सो राइट डाउन द होमवर्क एंड प्लीज़ मेंशन द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. लिखिए फॉर ए टू डायमेंशनल फ्लो the velocities at a point in a fluid may be expressed in the Eulerian coordinates by u equals to x plus y plus 2t and
वी इक्वल्स टू 2y प्लस टी डिटरमाइन द लैग्रेंजे कोऑर्डिनेट्स as functions of the initial positions x naught and y naught and the time t. ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा और प्लीज़ मैच विद द अदर आंसर्स और सॉल्यूशंस अगर वेरीफाई कराना है सो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट टू आवर असिस्टेंट 7381987177. ओके, सो ये असिस्टेंट का नंबर है. जो कि बाकी फंक्शनिंग और वो सब चीज़ आपका देखते हैं. कभी कभी मैं अवेलेबल होता हूँ तो लकीली अगर मैं अवेलेबल हो गया तो अच्छी बात है. अगर मैं नहीं अवेलेबल हुआ सो ही विल प्रोवाइड यू, ही विल चेक यू. यू जस्ट सेंड हिम द क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन फॉर दैट. आई विल प्रोवाइड हिम द सॉल्यूशंस. बाय सीइंग द सॉल्यूशन ही विल वेरीफाई इट एंड लेट यू नो वेदर योर सॉल्यूशन इज राइट और रॉन्ग. ओके, सो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है सो प्लीज़ डोंट एक्सपेक्ट द इंस्टेंट रिप्लाई. कुछ समय दीजिएगा क्योंकि बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं और मेरा असिस्टेंट पागल हो जाता है. बोलता है सर आप क्यों नंबर दे देते हो. यूट्यूब में इतने सारे हम बोला कि अरे ये स्टूडेंट का सर्विस है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा. ओके, सो गिव सम टाइम एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम अदर वेराइटी ऑफ क्वेश्चन. टिल देन बाय एंड टेक केयर.